स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यूपी निकाह के दौरान हुई मारपीट, दूल्हे के चाचा की हुई मौत, 9 घंटे बाद ही दुल्हन को दे दिया तलाक। यूपी के बहराइच हुजूरपुर थाने में एक गांव में एक लड़की का निकाह गुरुवार को नेपाल के बांके जिले के सलीम पुत्र निसार अहमद के साथ था। शाम लगभग 5 बजे काजी ने निकाह की रस्म कराई। रात लगभग 8 बजे निकाह के बाद सलाम कराई की रस्म निभाने के दौरान वर पक्ष के युवकों ने कुछ किशोरियों से छेड़छाड़ की, जिसमें दोनों पक्षों के युवाओं में मारपीट हो गई। इससे आहत दूल्हे के चाचा को दिल का दौरा पड़ गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नाराज दूल्हे ने आधी रात में निकाह में महज 9 घंटे बाद समाज के लोगों के बीच नव विवाहिता को 3 तलाक दे दिया और बारात बेरंग लौट गई। दहेज का सामान भी नहीं लौटाया गया। लड़की के पिता ने बताया कि वर पक्ष ने दहेज में दी गई बाइक, सोने की अंगूठी, एक चेन, 2 रिस्ट वॉच, एक निकाह की अंगूठी व नकदी भी वापस नहीं की गई। HSO प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मौखिक शिकायत आई थी, उन्हें ऐसी कोई तहरीर नहीं मिली है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।